तो यह है मेरे पास FND की तरफ से आने वाला 5.1 चैनल होम थिएटर सिस्टम, जो कि Amazon और Flipkart पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और बेस्ट सेलिंग भी है। वैसे इन स्पीकर्स को भी यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है और इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर बनाई हुई है। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस 5.1 चैनल होम थिएटर सिस्टम का एक डिटेल रिव्यू और साथ ही साथ बात करेंगे इसके प्रोज और कॉन्स, इस पर मिलने वाले फीचर्स, कनेक्टिविटी ऑप्शंस और साउंड क्वालिटी की भी। तो फ्रेंड्स, यह है हमारा FND F5060X 5.1 चैनल होम थिएटर सिस्टम, जो कि आता है कुछ इस तरह के काफ़ी बढ़िया से डिज़ाइन में। ये एक 5.1 चैनल होम थिएटर सिस्टम है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं दो सैटेलाइट रियर स्पीकर्स, दो फ्रंट स्पीकर और एक सेंटर स्पीकर, और इन सभी इंडिविजुअल स्पीकर्स की आउटपुट की डिटेल में हम आगे चलकर बात करेंगे। ये स्पीकर सिस्टम आता है कुछ इस तरह की काफ़ी बढ़िया सी कलर चेंजिंग LED लाइट्स में, जो कि बनाती हैं इन 5.1 चैनल होम थिएटर को काफ़ी यूनिक और अट्रैक्टिव भी। और आप इसके कलर चेंजिंग लाइट्स को स्पीकर के साथ में आए हुए इस फुल्ली फंक्शन रिमोट कंट्रोलर के साथ में चेंज कर सकते हो। ये स्पीकर सिस्टम आता है इस फुल्ली फंक्शन रिमोट कंट्रोलर के साथ में, जहां से आप इसकी इनपुट को चेंज कर सकते हो और या फिर इंडिविजुअल स्पीकर्स की वॉल्यूम को भी यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि इसके मेन यूनिट पर भी आपको इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ बटन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इन बटन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा प्राइसिंग की तो हम यहाँ पर बात करें तो आप इस 5.1 चैनल सिस्टम को Amazon और या फिर Flipkart से भी 10,000 रुपये में परचेज कर सकते हो। और ये तो आप इस 5.1 चैनल होम थिएटर सिस्टम को खरीदने में इंटरेस्टेड हो, तो लिंक्स इसके आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं स्पीकर पर मिलने वाले डिज़ाइन एलिमेंट और बिल्ड क्वालिटी की। और जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि स्पीकर आता है काफ़ी बढ़िया से डिज़ाइन के साथ में। सामने की तरफ आपको ग्रिल डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, जिसके पीछे आपको देखने को मिलेगी कलर चेंजिंग LED लाइट्स, जो कि बनाती है इस मेन यूनिट को काफ़ी यूनिक और अट्रैक्टिव भी। और उसके अलावा ये मेन यूनिट आता है वुडन कैबिनेट में, तो बिल्ड क्वालिटी तो आपको यहाँ पर काफ़ी बढ़िया जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि सैटेलाइट स्पीकर्स यहां पर आपको प्लास्टिक क्वालिटी में देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी भी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। यहां पर मेन यूनिट में सामने की तरफ आपको कुछ बटन्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि है पावर बटन, साउंड बटन, एक सोर्स बटन जिसे प्रेस करके आप इसकी इनपुट को चेंज कर सकते हो, बीच में है डिस्प्ले पैनल और उसके साथ में है सॉन्ग को प्रीवियस और नेक्स्ट में चेंज करने के लिए बटन। यूनिट पे पीछे की तरफ आपको एक RCA इनपुट पोर्ट देखने को मिल जाएगा और उसके नीचे है 5.1 चैनल RCA इनपुट पोर्ट्स भी। यहाँ पर आपको कोई भी डिजिटल इनपुट पोर्ट देखने को नहीं मिलता, जो कि मेरे हिसाब से इस होम थिएटर पर मुझे काफ़ी बड़ी कमी लगी। और यही तो आप इस होम थिएटर को अपनी TV के साथ में कनेक्ट करके इस पर डिजिटल ऑडियो सिग्नल्स को रिसीव करना चाहते हो। जैसे कि मान लीजिए आप इस पर नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन प्राइम से 5.1 ऑडियो चैनल को रिसीव करना चाहते हो, तो फिर तो आपको कुछ इस तरह का 5.1 चैनल ऑप्टिकल टू RCA कन्वर्टर अलग से इसके लिए खरीदना पड़ेगा। और वैसे आप इस होम थिएटर सिस्टम को अपने TV के साथ में ब्लूटूथ के साथ तो इसे कनेक्ट कर ही सकते हो, और उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर FM का भी सपोर्ट मिल जाएगा। और उसके अलावा मीडिया कनेक्टिविटी के लिए आपको यहाँ पर एक USB पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। स्पीकर के टोटल आउटपुट पावर की तो हम बात करें तो आपको यहाँ पर टोटल 135 वॉट सुनने को मिल जाएगा, जो कि बनता है 13,500 वॉट PMPO, और ऐसा FND ने यहाँ पर स्पेशली मेंशन भी किया हुआ है। इस मेन यूनिट पर आपको 8 इंचेस का डाउन फायरिंग सब ऊपर देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आपको सुनने को मिलती है काफ़ी ज़बरदस्त बेस। और यही एक रीज़न है कि ये तो आप इन स्पीकर्स को थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम पर प्ले करते हो तो इसका ये मेन यूनिट थोड़ा इधर उधर स्लाइड होना शुरू हो जाता है। हालांकि इन स्पीकर्स की बिल्ड क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन यार ये थोड़े हल्के हैं। और उसके अलावा इसके सैटेलाइट स्पीकर्स की ये तो हम बात करें तो सभी पर आपको देखने को मिल जाएगा 1 इंच का ट्वीटर और 3 इंच के फुल रेंज ड्राइवर्स। सभी सैटेलाइट स्पीकर्स पर आपको वॉल माउंट का ऑप्शन में मिल जाएगा और नीचे की तरफ है 4 छोटी-छोटी सी ग्रिप्स, ताकि ये स्पीकर स्लिप ना हो। और उसके अलावा इसके रियर सैटेलाइट स्पीकर्स पर हमें वायर की लेंथ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। और इसके सेंटर स्पीकर पर भी आपको बीच में देखने को मिलेगा एक 1 इंच का ट्वीटर और साथ ही साथ है 2-3 इंच के फुल रेंज ड्राइवर्स। और इन सभी सैटेलाइट स्पीकर्स की आउटपुट है 15 वॉट ईच। इन सैटेलाइट स्पीकर्स पर सबसे बड़ी कमी जो मुझे देखने को लगी वो यही है कि ये तो आप इन्हें वॉल माउंट करते हो तो यार इनकी डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ को रहती है, तो ऐसे में आपको इतना बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। तो चलिए अब जल्दी से बात करते हैं इस 5.1 चैनल होम थिएटर पर मिलने वाली साउंड क्वालिटी की। तो यहाँ पर मैंने इस होम थिएटर को अपने iFalcon स्मार्ट TV के साथ में कनेक्ट किया हुआ है, और एक बार जल्दी से मैं आपको स्पीकर सेटअप भी दिखा देता हूँ। तो नीचे की तरफ है ये मेन यूनिट और बीच में है सेंटर स्पीकर, ऊपर की तरफ है ये दो फ्रंट स्पीकर्स,
और वहाँ पीछे की तरफ है दो रियर स्पीकर्स। और वैसे इन रियर स्पीकर्स की पोजीशनिंग पूरी तरह से ठीक नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा ऊंची हाइट पर भी है और ज़्यादा दूरी पर भी है, पर आप कोशिश कीजिएगा कि आप इन रियर स्पीकर्स को अपने हाइट के अकॉर्डिंगली रखिए। तो स्पीकर सेटअप के बाद अब मैं इस पर आपको कुछ म्यूज़िक को प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि इस 5.1 चैनल होम थिएटर में से हमें किस तरह के साउंड आउटपुट मिलती है। तो यूट्यूब से हम यहाँ पर कुछ प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पर म्यूज़िक को सुनकर अब आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग गया होगा कि इन स्पीकर सिस्टम में से हमें किस तरह की आउटपुट मिलती है। और मेरे हिसाब से इसमें से आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया सुनने को मिल जाती है, बेस जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है और उसके अलावा साउंड भी काफ़ी लाउड और क्लियर है और वॉल्यूम ऑलमोस्ट फुल करने पर भी इसमें हमें किसी भी तरह की कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं मिलती। हाँ, इन स्पीकर्स में थोड़ी बहुत कमियां हैं, जैसे कि इसके सैटेलाइट स्पीकर्स का डिज़ाइन जो है वो ठीक नहीं है। और यही तो आप इन सैटेलाइट स्पीकर्स को वॉल माउंट करते हो तो जो इनकी डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ को रहती है। और दूसरा कि इसके मेन यूनिट का वेट जो है वो थोड़ा कम है, हालांकि इसमें हमें 8 इंचेस का सबवूफर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया आपको बेस देता है। लेकिन यदि आप इन स्पीकर्स को थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम पर चलाते हो तो इसके मेन यूनिट में वाइब्रेशन होने के कारण ये इधर उधर स्लाइड होना शुरू हो जाता है, जो कि इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। लेकिन यार, ओवरऑल फिर भी यदि तो देखा जाए कि 10,000 रुपये की रेंज में ये स्पीकर सिस्टम आपके लिए सही में एक वैल्यू फॉर मनी डील रहेगी, क्योंकि एक तो इन स्पीकर्स में से हमें काफ़ी बढ़िया साउंड आउटपुट सुनने को मिल जाती है और दूसरा इस सिस्टम का डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक है, जो कि आप में से काफ़ी लोगों को डेफिनेटली पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।